This is an incubation center with a brand name of Sukoski Innovation Incubation and Entrepreneurship Center. ये सेंटर जो है ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर जो है वो होस्ट कर रही है इस सेंटर को, एंड दिस इज बीन सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। इस सेंटर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव और विजन ये है कि वी वांट यू नो इनकल्केट द सेंस ऑफ इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यंग माइंड्स ऑफ द J&K यूटी, एंड वी आर वर्किंग हार्ड यू नो फ्रॉम सिंस लास्ट कपल ऑफ इयर्स टू इन्फ्यूज दिस कल्चर अमंग अवर यू नो यंग माइंड्स। एंड इस सेंटर का जो है वी हैव कपल ऑफ यू नो वर्टिकल्स जहाँ हम कोशिश पहले करते हैं कि एक बच्चा जब है डिग्री लेके आता है, चाहे हमारे इन हाउस स्टूडेंट्स हैं या नो अदर पार्ट्स ऑफ नो अदर यू नो द प्लेसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी है, हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को किस तरह मेंटर करें, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले, ताकि जो इनका एक रफ आइडिया है उसको हम रिफाइन एंड फाइन ट्यून किस तरह करें और मेंटर करें, सो दैट वी मे टेक दैट इंटेंजिबल आइडिया टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे वो एक बच्चा डिग्री के साथ साथ एक अपने साथ एक वायबल स्टार्टअप जो है एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, और ताकि एक सोशल इम्पैक्ट हो और वो अपने लाइवलीहुड के लिए भी काम करे। वी हैव यू नो इन टर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स आर कंसर्न इन J&K कम से कम 12-13 हमारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और हर एक इंस्टीट्यूट में एक इंक्यूबेटर और इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है, एंड कोशिश में है बिकॉज अभी हाल हाल में जम्मू एंड कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल ने एक रैंकिंग की इनक्यूबेटर्स की कि किसके पास यू नो वायबल स्टार्टअप ज़्यादा है, DPIT स्टार्टअप्स, किसके पास पेटेंट ज़्यादा है, किसके पास इनक्यूबेटर्स है, चाहे वो फिजिकल हो या यू नो वर्चुअल इनक्यूबेटर्स हो। एंड ये मैं आप अपने ऑडियंस को बताते चलूँ कि दिस इज़ यू नो द फर्स्ट इनक्यूबेशन सेंटर एंड वी हैव टॉप्ड दैट पर्टिकुलर लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यू नो हाइस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स वी हैव, द हाइस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स वी हैव। और इस साल मैं आपको बताऊँ, इस साल इस यूनिवर्सिटी ने यू नो ऑल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम देखें स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वी हैव टॉप्ड द लिस्ट, एंड इस बार हमारे इस साल में अब तक जो है 15 पेटेंट्स ग्रांट हुए हैं और हमने कम से कम 60+ जो पेटेंट्स हमने फाइल किए हैं। यहाँ पे पहले मैं बताऊं कि इनोवेशन की बात, बिकॉज दिस इज एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड दिस इज एन एग्रीबेस्ड यू नो इनक्यूबेटर, बट हमारा फोकस रहता है कि एग्रीकल्चर में, बट वी हैव ए वास्ट एंड यू नो सॉर्ट ऑफ एन वी हैव एक डोमेन हमारा वास्ट है जहाँ पे किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो मेडटेक से हो या एग्रीटेक से हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो, या एक नया एक टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स AIoT, या प्योरली बायोटेक्नोलॉजी से हो, उस तरह के आइडियाज़ हमारे पास आते हैं और उनको हम कनेक्ट करते हैं नेशनल इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ, और ताकि उनका जो आइडिया है उसको रिफाइन करे, और दैट्स वाई कि वी यू नो वी आर एबल टू यू नो एस्टेब्लिश यू नो कपल ऑफ स्टार्टअप्स फ्राम अदर प्लेसेज एज वेल, बिकॉज वी हैव यू नो सम स्टार्टअप्स फ्राम मुंबई, कुछ स्टार्टअप्स हमारे हैं जो पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से हैं, दे आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर एंड मेडटेक डोमेन। अभी हमारे पास 147 इनक्यूबेटर्स है जो अभी यू नो प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं हमारे इस सेंटर में, बिकॉज इस सेंटर का एक अच्छा खासा कनेक्ट है जो यहाँ हमारे लैब्स हैं वो इन हाउस हमारे लैब्स हो या नेशनल लैब्स हैं जहाँ जहाँ बच्चे काम कर सकते हो अपने आइडियाज़ को रिफाइन करने में, या वी हैव इन हाउस इन दिस यूनिवर्सिटी वी हैव इन हाउस यू नो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड यू नो द सेंटर इन कंट्री, एंड उसमें भी हम बिकॉज जो भी हमारे पास आइडिया आते हैं, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं जिनका यू नो इंक्लिनेशन या जिनका एक लिंक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या IoT के साथ या ऑटोमेशन के साथ, उनको वहाँ पे हमारे मेंटर्स बैठे हैं, उनके साथ हम उनको कनेक्ट करते हैं, सो दैट कम से कम टाइम पे जो है उनका आइडिया रिफाइन हो और एक वायबल प्रोटोटाइप हमारे पास आए। यू नो वी हैव यू नो कपल ऑफ स्टार्टअप जो काम कर रहे हैं जिस तरह, बिकॉज वेस्ट वेल्थ जो है ना, एक जो एग्रीकल्चर वेस्ट है इट्स अ बिग कंसर्न, तो कहीं ना कहीं पे जो वेस्ट से आपका जो है एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, इवन जो स्टार्टअप्स है उन्होंने क्या किया है, जैसे डलवीड है आपका, उन्होंने उस डलवीड को यूज़ किया है एंड कन्वर्ट दैट इनटू अ वायबल प्रोडक्ट जो भी मार्केट में भी है। और मैं आपको एक ये चीज़ भी बताते चलूँ कि एक हमारा ऐसी भी स्टार्टअप है जो आपके जो ह्यूमन हेयर होता है या जो पोल्ट्री फेदर होता है उसने उसको कन्वर्ट किया है ऑर्गेनिक यू नो लिक्विड फर्टिलाइजर में, एंड उससे क्या होता है कि आप इस वेस्ट को यूटिलाइज करते हो और इसको कन्वर्ट करते हो वेल्थ में। और यही ऐसे कुछ स्टार्टअप्स हैं
जो कहीं ना कहीं भी सपोर्ट करेंगे आपको एनवायरनमेंट बचाने से। और जो एक आपका जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो यही है कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्स को खत्म किया है और नाउ वी आर यू नो इन द प्रोसेस जहाँ पे हम उन बच्चों को इनक्यूबेट करते हैं जिनके कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं कि कैसे हम इसको हम बचाए, कैसे हम इस चीज़ को रिवाइव करें या कैसे हम इस चीज़ को हम कम करने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे अभी मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ मेन उनका उद्देश्य यही है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ वी कैन यू नो कनेक्ट विद यू नो द ग्रास रूट इनोवेटर्स। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमने भी किए हैं और वी हैव, मैं आपको बता दे चलो दिस सेंटर हमने कम से कम यू नो हज़ारों में ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिनका हमने नाम ही रखा था सेंसिटाइजेशन का, ठीक है ना, मेंटरिंग का, जहाँ पे हम जो छोटे ग्रास रूट लेवल पे है जहाँ कोई पहुँचता नहीं है, जहाँ जो रिमोट एरियाज में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट शुपया की बात करें, कलर की बात करें, यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में बहुत सारे ऐसे यू नो प्लेसेस हैं जहाँ पे कोई नहीं जा नहीं पाता। वी हैव यू नो कंडक्टेड एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और वो प्रोग्राम सिर्फ यू नो ऐसे नहीं थे कि हमने लेक्चर वहाँ उनको सुनाया, नहीं, वी यू नो वी कंडक्ट स्टार्ट अप ए हैंडसन प्रोग्राम था जहाँ हमने उनको बताया कि अगर आपके पास कुछ ऐसे नॉवल आइडियाज हैं जिन पे हम आपके साथ काम कर सकते हैं और आपको हम एक माहौल देंगे, एक स्पेस देंगे जिनको हम इंक्यूबेशन बोलते हैं। इंक्यूबेशन यही है कि हम उनको एक माहौल देते हैं, उनको एक इकोसिस्टम देते हैं, उनको एक फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करते हैं, उनको जो जो चीज़ उनको दरकार है, जो जिस चीज़ की उनको हेल्प चाहिए, वी यू नो एक्ट एज ए फैसिलिटेटर बिटवीन देम। एंड बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ हमने कनेक्ट किया है उनको और अभी यू नो इन कपल ऑफ मंथ्स यू विल सी एन नंबर ऑफ अदर स्टार्टअप जो अभी मार्केट में आएंगे वो फार फ्लंग एरिया से ही है। मेरी मैसेज यही है कि मैं आपको बताऊं कि दिस इज़ यू नो अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो व्हाट वी कैन कॉल द एरिना, जिसको हम एरिना ऑफ इनोवेशन इंक्यूबेशन अंतरराष्ट्रीय कह रहे हैं। ये एक ऐसा एक एरिना है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अपने आप को करियर को आप बना सकते हो। इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट आपका लाइवलीहुड इससे चले, बट इट्स ऑल अबाउट दैट यू कैन अर्न द ब्रांड इक्विटी आउट ऑफ दिस। ये आपको एक पहचान देगा नेशनल और ग्लोबल लेवल पे। मेरी यही मैसेज है जो हमारे यंग बडिंग माइंड्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, यू नो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या जे एंड के गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक फैसिलिटी क्रिएट की है विद द सपोर्ट ऑफ DST जो सुकास्ट में है, जो आपकी शालामार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे एक आपका एक इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेशन सेंटर है जिसका नाम है सुकास्ट के इनोवेशन इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर। और हमारा ये काम है कि हम आप जैसे यंग माइंड्स को यहाँ इंक्यूबेट करते हैं और उनको इंक्यूबेट करके उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटीज मीन्स कि आपने सिर्फ हमें अपना टाइम देना है, अपना कंसेप्ट देना है और आपकी डिटर्मिनेशन हमें चाहिए। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए आपसे और बाकी जो इसको आइडियाज को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने में, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, वी आर हियर टू यू नो हैंड होल्ड यू, कम एंड यू नो जॉइन हैंड्स विद अस दिस इंक्यूबेशन सेंटर और इंशाल्लाह यू विल सी यू नो वी विल बी द यू नो द पॉजिटिव चेंज मेकर्स ऑफ दिस सोसाइटी।